चलो तो स्टार्ट करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच की स्टेप है ये, क्या होता है कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देखो होता है क्या है, आपके पास जरा मुझे बताओ लाइट रिएक्शन नॉर्मली कहाँ पे हो रही थी? अरे बोलो भाई, किसमें हो रही थी? थैलाकोइड में। किसमें हो रही थी? थैलाकोइड। अब अगर लाइट रिएक्शन थैलाकोइड में हो रही है तो थैलाकोइड में ही, देखो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, दिख रहा है? देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, है ना। ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, थैलाकोइड के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। यहां पर कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जो वाटर को स्प्लिट करता है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दैट मींस वाटर यहां से आएगा, यानी जब वाटर आया तो वाटर यहां से, देखो यहां वाटर आया और वाटर आके स्प्लिट हो गया, H2O था, स्प्लिट हो गया किसमें? एच पॉजिटिव आयन प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, नेसेंट ऑक्सीजन बनता था, याद है ना। और जो नेसेंट ऑक्सीजन तो कंबाइन होकर O2 गैस निकालेंगे, तो वाटर की स्प्लिटिंग किसके अंदर हो रही है? ल्यूमेन के अंदर हो रही है, याद रहेगा। साथ में कौन बनते थे? दो इलेक्ट्रॉन भी बनते थे, याद है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाएंगे देखेंगे अभी, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर एंजाइम लगा होता था, इस एंजाइम का आपको नाम पता होगा, आउटर लेयर पे एक एंजाइम लगा होता था थैलाकोइड की, उसको बोलते थे NADP, हाँ रिडक्टेज। और NADP रिडक्टेज में क्या होता था, जो NADP था, जो NADP था उसके पास कौन आता था? हाइड्रोजन आता था, और क्या बना देता था? NADPH2। बोलो पता चला। अब यहीं पर देखो थैलाकोइड के अंदर ही, अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि किस तरह से आपकी लाइट रिएक्शन हो रही थी। देखो यहां पर आपका है PS2, ऐसे बना ले, थोड़ा नीचे ऐसे बनाते हैं, ये आपका PS2 फोटोसिस्टम सेकंड। जरा मुझे जल्दी से बताओ फोटोसिस्टम सेकंड को और क्या बोलते थे? P680 है ना। तो ये PS2 है, PS2 के यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा होगा। देखो यहां पर, यहां बनाता हूं थोड़ा सा, इसी में कौन है? PS1 है, और यहां पर भी क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर लगा होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो बीच में आएगा इनडायरेक्टली किसके पास? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, और अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास जा रहा है? PS1 के पास। बोलो दिख रहा है। बाहर का जो पार्ट है, ये जो बाहर का खाली पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब देखो NADPH2
कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है, जबकि वॉटर का फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है? ल्यूमेन में हो रहा है। अच्छा एटीपी देखते हैं अभी कहाँ बनेगा, एटीपी देखते हैं अभी कहाँ बनेगा। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। देखिए ट्रांसपोर्टर मूवी, ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है? एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना। तो साइटोक्रोम का क्या काम है? साइटोक्रोम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। अच्छा एक चीज और देखो, ल्यूमेन के यहां पर, ल्यूमेन में वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, और बाहर वाला जो पार्ट है क्या था ये, बोलो जल्दी दोबारा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एच पॉजिटिव आयंस, कौन है स्ट्रोमा के अंदर? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ना, साथ साथ एच पॉजिटिव को शिफ्ट कर देगा किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ और क्या क्या काम कर रहा है, बोलो भाई। अरे बोलो, साथ साथ क्या करेगा? साथ साथ ये है एच पॉजिटिव एक्सेप्टर, साथ साथ क्या है साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के साथ साथ क्या है? एच पॉजिटिव एक्सेप्टर, यानी ये क्या करता है? एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। कहां से एक्सेप्ट करता है? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से एच पॉजिटिव अंदर आ गए। अब देखो एक तो एच पॉजिटिव है स्ट्रोमा के, दूसरे एच पॉजिटिव किसके हैं? वॉटर के। तो कुछ एच पॉजिटिव वॉटर के और कुछ किसके हैं? स्ट्रोमा के हैं, है ना। अब देखो हो क्या रहा है यहां पर, क्या लिखा है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या लिखा है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी केमी मतलब केमिकल्स, केमिकल्स का क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक का मतलब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब डिफ्यूजन, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी डिफ्यूजन हो रहा है। अब आगे क्या होगा? जैसे ही यहां पर बहुत सारे एच पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहां पर लगा हुआ है दो यूनिट, एक है एफ नॉट और दूसरा है एफ वन यूनिट। अब होगा क्या? एफ वन यूनिट को बोलते एटीपेज। क्या बोलते? एटीपेज। अब होगा क्या? ये जो एच पॉजिटिव है ये मूव करेंगे कहां पर? ये जो एच पॉजिटिव हुए हैं ये अब ल्यूमेन से वापस कहां मूव करेंगे? स्ट्रोमा में मूव करेंगे। जैसे ही ये यहां से रहेंगे ना, तो अब जो आपका एडीपी था, ब्लैक से बनाते हैं, अब आपका जो एडीपी था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एटीपी। इसका मतलब जरा मुझे बताओ एटीपी कहां पे बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। अच्छा एडीपी एटीपी कैसे बनेगा? फॉस्फोरस को ऐड करके। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो मे भी हो सकता है पूछा जा सके, वो ये है, ये फॉस्फोरस कैसी फॉस्फोरस है? तो आप बोलोगे इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है। तो दिस इज इनऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। कैसी फॉस्फोरस है? इनऑर्गेनिक। और अब एच पॉजिटिव आयन कहां पे आ गए? एच पॉजिटिव आयन आ गए यहां पर। अब ये जो एच पॉजिटिव आयन बाहर आए ना, अब यही एच पॉजिटिव आयन घूम करके किसके पास जाएंगे? एनएडीपी के पास। और अब एनएडीपी से क्या बनेगा? एनएडीपी एच टू। बोलो समझ आया? पता चला किस तरह से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, किस तरह से केमी ऑस्मोसिस हो रहा है? बोलो क्लियर है? एफ नॉट एफ वन क्या है? ये एटीपेज है। एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन बढ़ा, तो अब कुछ बातें जिनको लिख लेते हैं, जैसे
यहां लिखते हैं सबसे पहले है ना, नोट डाल के लिखते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहला, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। चलो सेकंड, मुझे बताओ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पे होगा? ल्यूमेन में होगा। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी एच टू कहां पे होता है बच्चों? स्ट्रोमा में। कहां पे होता है? स्ट्रोमा में। और बताओ और क्या लिख सकते हैं बोलो? ओ टू का प्रोडक्शन लिख दिया। हाँ यार देखो, अगर फोटोलाइसिस वाटर ल्यूमेन में हो रहा है तो ओ टू का प्रोडक्शन भी कहां हो रहा होगा? तो फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ ओ टू कहां पे होगा? ल्यूमेन। और बताओ और क्या लिख सकते हैं? हाँ हाँ कम होगी बढ़ेगी? मेंटेन रहेगी, अब जितने आ रहे हैं उतने निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ 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 बोलो बोलो, वेरी गुड। ल्यूमेन में सही कह रही है वो, ल्यूमेन में एच पॉजिटिव आयन आए, अब एच पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं एनएडीपीएच2 में जा रहे हैं, दैट मींस एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी ल्यूमेन में एसिडिक कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मींस पीएच क्या होगी? कम होगी। दैट मींस पीएच, वेरी गुड बेटा, फिफ्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं, पीएच इन ल्यूमेन डिक्रीजेस, दैट मींस एच पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बोलो क्लियर है? और बोलो और क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि एनएडीपी रिडक्टेज कहां पे प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, जबकि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। तो ये तो लिख लोगे तुम लोग, दिख रहा है साफ साफ? अब समझो, सुनो, हमने क्या बोला था कि लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन उसके बाद आती है डार्क रिएक्शन, जो हमने क्या बोला था, लाइट में भी हो सकती है और लाइट नहीं है तब भी हो सकती है। तो लाइट नहीं है तब कैसे होगी? डार्क रिएक्शन क्या होगी? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन क्या होगी? स्ट्रोमा में। अब रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को बना के किसने दिया है? लाइट रिएक्शन ने बना के दिया। देखो कहां है एटीपी, एनएडीपीएच2, एनएडीपीएच2 भी एनर्जी सोर्स है, एक एनएडीपीएच2 इक्वल टू 3 एटीपीज, तो एनर्जी कहां से मिल रही है? लाइट रिएक्शन से एनर्जी मिल रही है, पता चला? नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया डार्क रिएक्शन हो रही है, एनर्जी कहां से मिल रही है, तो कहां से मिली? लाइट रिएक्शन से। बोलो क्लियर है? चलो नोट कर लो।